स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो अपडेट्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए, मेटल्स बैंक सब आपको आउट परफॉर्म है। एलएनटी फाइनेंस 76 बिक गया और जीएमआर 44 रुपए, ये दोनों ने तीन परसेंट आपको दो दिन में दे दिए। उसके अलावा अशोक लीलैंड मेरा अभी भी टॉपिक है। ऑटोज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और आपके पास जो बाकी कॉल्स थी उसमें से काफी सारी हिट हो चुकी हैं ऑन द शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म आपको बने रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन अभी शुरुआत हुई है। अब आपके लिए तभी दो नहीं तीन पिक्स हैं, जिसको जो सूट करे लीजिए, लेकिन ये दिग्गज मिड कैप्स हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। बताएं सर, कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, आपने देखा टू व्हीलर सेगमेंट सीवी सेक्टर में बहुत स्ट्रेंथ है, दैट इज इन द कमर्शियल व्हीकल, और चोला फाइनेंस एंड अदर कमर्शियल व्हीकल्स आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है रीट्रेडेड टायर। बालकृष्णा इंडस्ट्री द मोस्ट प्रीमियम स्टॉक, 2290-95 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2241, टारगेट ऑफ 2375 टू 2400, प्रीमियम स्टॉक। दूसरा अगेन अपोलो टायर, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड विच विल कंटिन्यू बिकॉज फोर व्हीलर कमर्शियल में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इन दोनों का है। 28 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2347 टू 48 का टारगेट। तीसरा पिक है अगेन अ ब्लू चिप यूपीएल, 70-75 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 755, टारगेट ऑफ 800। ओके, तो ये है आपके लिए तीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज खरीदिए 2290-95 में, स्टॉप लॉस 2241 का, टारगेट 2375-2400 के। अपोलो टायर खरीदिए 227-228 के आसपास, 223 का स्टॉप लॉस और साथ ही 247-48 तक के टारगेट। वहीं खरीदना है यूपीएल आपको 770 रुपए के आसपास, 755 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 800 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो ये तीन स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए वसीम साहब की तरफ से।